प्रणाम जी सखियों, आज कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। सखियों, आज हम सभी सखियां अपने वाला जी के साथ रमण के लिए पुखराज पहाड़ की तरहटी में चलेंगी। देखो सखियों, पिया जी ने तो सुखपाल भी बुला लिए हैं। हम सभी अपने श्री युगल स्वरूप के साथ सुखपालों में बैठकर पुखराज पहाड़ की ओर चल पड़ते हैं। देखो सखियों, उत्तर दिशा का नजारा तो देखो, बड़ों वन की शोभा, मधुवन की शोभा और महामन की अद्भुत शोभा तो देखो। ये सीढ़ी नुमा दृश्य मन को मोह रहा है सखी। तभी पुखराज पहाड़ को देखकर उसकी विशालता और पीले हीरे की झिलमिलाहट को देखकर सभी खुशी से झूम उठती हैं। हमारे सुखपाल उतरने के लिए बड़ों वन के वृक्ष पुखराजी रोस पर स्वयं जगह बना रही है सखी। इस रोस पर हम हमारे सुखपालों से उतरते हैं। तो ये क्या सखी, सामने हजार हंस के विशाल गोल चबूतरे की शोभा को निहारते हैं। इस चबूतरे के हर हंस पर सुंदर गोल गुर्ज शोभा ले रहे हैं। ये चबूतरा भूम भर ऊंचा आया है सखी, और ये जो गोल गुर्ज दिखाई दे रहे हैं ना सखी, इसके दोनों ओर दाएं बाएं से सुंदर सीढ़ियां उतरी हैं। इन सीढ़ियों से हम इस चबूतरों पर आ और जा सकते हैं। दोनों तरफ की सीढ़ियों के मध्य में चबूतरे पर सुंदर एक दरवाजा शोभा ले रहा है। इस दरवाजे से हम पुखराज की तरहटी पर चलेंगे सखी। चलिए इन सीढ़ियों से उतरकर तरहटी की शोभा का आनंद लेते हैं सखी। हम सभी सखियां भूम भर नीचे सीढ़ियां उतर रही हैं। तो नीचे पहले सीढ़ियों की रोस पर आती है। इस रोस पर अति नरम गिलम बिछी है। देखो सखी, गिलम पर पैर रखते ही इसकी नरमाई से पैरों की तली में गुदगुदी सी महसूस हो रही है। सीढ़ियों की रोस से आगे कमर भर नीचे यानी कि तीन सीढ़ियां उतरकर हम बगीचों की रोस पर आ जाते हैं। बगीचों से निकल रही पूरी तरहटी में बहने वाली सुगंध हमारा मन मोह रही है सखी। और हम सभी तीन सीढ़ियां और नीचे उतरते हैं तो सीधे बगीचों में आ जाते हैं। इन बगीचों के चारों दिशाओं में चार सुंदर नहरों की शोभा, चार चहबच्चों की शोभा देखकर आनंद हो रहा है सखी। इस तरह की मैं हजार बगीचों की 52 हारे शोभा ले रही है। इन प्रत्येक बगीचों के मध्य में सुंदर विशाल थंब आया है सखी। ये थंब 2 भूम ऊंचे शोभा ले रहा है। इन बगीचों में खिले फूल हमारा हंसकर सुगंधित बिखेर कर स्वागत कर रहे हैं सखी। आगे रंग महल की चौरस हवेलियों के समान ही 2 भूम ऊंचे
महलों की सुंदर शोभा दिखाई दे रही है। इन हजार महलों की 53 हारे शोभा ले रही है सखी। यहाँ पर हमारे श्रृंगार करने की सामग्री का भंडार रखा है। 52 बगीचों की हारे और 53 महलों की हारों को पार करते हुए देखो सखी, हम तरहटी के मध्य में आ गए हैं। यहाँ पर एक विशाल ताल शोभा ले रहा है, जिसे खजाने का ताल कहते हैं। इस ताल के मध्य में 5 पेड़ों यानी कि सुंदर महलों की शोभा आई है सखी। इस खजाने के ताल में रमण करते हैं। चलिए सखियों, यहाँ पर आई विशाल मछलियों पर कुछ सखियां बैठ जाती हैं और कुछ सखियां तो विशाल जहाज पर बैठकर खजाने के ताल में रमण का आनंद ले रही हैं। इस आनंद का कोई पारावार नहीं है सखी। इस तरहटी से हम पूर्व दिशा की ओर बंगलों की तरहटी में, फिर अदबीज के कुंड की तरहटी में, फिर ढप्पो चबूतरे की तरहटी में और मूल कुंड तक की तरहटी में खूब आनंद के साथ घूम घूम कर पियाजी के साथ प्रेम भरी मीठी मीठी बातों का आनंद ले रहे हैं। इन मीठी मीठी बातों का आनंद अपने हृदय में समेटते हुए ये सखी अपने श्री युगल स्वरूप के चरणों में दंडवत प्रणाम करती है। वह आप सभी सखियों के चरणों में प्रणाम करती है। प्रणाम जी।